हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम सभी चाहते हैं कि हमारा एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, हमारी स्किन पर हमारी एज नज़र ना आए और स्किन हमेशा ही यूथफुल, एजलेस, ब्राइट, ग्लोइंग और टाइट नज़र आए। इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स हम करते भी हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं, एंटी एजिंग फेस वॉशेस, सीरम्स, लोशंस, क्या क्या ट्राई नहीं करते। लेकिन मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि बात चाहे बालों की हो या स्किन की, जब तक हम अपनी इनटेक पर ध्यान नहीं देंगे तब तक एक्सटर्नली कुछ भी अप्लाई करेंगे उसके 100% बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक ऐसा ड्रिंक जिसको अगर आप इन गर्मियों में जून तक भी अगर आप पी लेते हैं इसे पूरा जून, तो आपकी बॉडी में ठंडक देगा, ये कूलिंग इफेक्ट देगा, आपको गर्मियों से बचाएगा और इसके साथ साथ हमारी स्किन में कोलेजन और इलास्टिन जो दो प्रोटीन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी स्किन की टेक्सचर के लिए और उसकी शेप के लिए, उनकी प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये ड्रिंक कैसे बनाना है, हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं, हर इंग्रेडिएंट की क्या इम्पॉर्टेंस है, किस वजह से हम उसे इस ड्रिंक में डाल रहे हैं और साथ में एंड में आपको मैं बताऊंगी कि इस ड्रिंक को आपको कब पीना है, कैसे पीना है और किसको इसे नहीं पीना है। वीडियो एंड तक देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में ही क्लियर कर दूंगी। तो चलिए पहले बनाते हैं इस ड्रिंक को और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे कब पीना है, कैसे पीना है और किसने इसको नहीं पीना है। तो गाइस, इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है पानी। 1.5 ग्लास पानी हम लेंगे, यानी ऑलमोस्ट 400 ml वाटर हम लेंगे इसको बनाने के लिए, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे पकाएंगे तो ये 200 ml रह जाएगा। तो हम ले रहे हैं 400 ml पानी, जिससे कि तैयार ड्रिंक की क्वांटिटी हमें मिलेगी 200 ml, जो कि हमारे एक बार के इनटेक के लिए काफ़ी है। अब इस पानी में हम ऐड करेंगे सौंफ। 1 teaspoon सौंफ हमें लेनी है। सौंफ बहुत ही अच्छा कूलिंग एजेंट है। सौंफ बहुत इफेक्टिवली काम करती है हमारी बॉडी में जो कोलेजन और इलास्टिन है उनको वापस से रिवाइटलाइज करने में। तो 1 spoon सौंफ हम इस पानी में ऐड कर देंगे। सौंफ के बाद अब हमें ऐड करना है इसमें अजवाइन। 1/2 teaspoon अजवाइन हम इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन की तासीर वैसे गर्म होती है, पर जब हम इसे सौंफ के साथ ऐड करते हैं तो इसकी तासीर बदल जाती है, जिसके कारण ये हमें बेनिफिट्स देती है हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन के साथ इलास्टिन प्रोटीन होता है उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए। तो 1/2 teaspoon हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अब चौथी चीज़ जो हमें लेनी है वो है पुदीने की पत्तियाँ, यानी मिंट लीव्स। ये बहुत ही अच्छा कूलिंग एजेंट है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसके अंदर होता है मैंथॉल और मैंथॉल जो है वो हमारी स्किन को भी कूलिंग देने के साथ साथ स्किन के अंदर जो मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा है इसकी वजह से हमारे स्किन का कलर लाइट या डार्क हो रहा है, स्किन पर ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, सनबर्न, टैनिंग, अनइवन स्किन टोन या फ्रिकल्स आने लगे हैं, तो उन सब से भी छुटकारा दिलाने में हमारी बहुत हेल्प करता है पुदीना। तो हम 10-12 पुदीने की पत्तियां लेंगे, उन्हें अच्छे से छोटा छोटा कट कर लेंगे और इस पानी में ऐड कर देंगे। अब लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 tablespoons दूध। बॉयल्ड दूध आपको ऐड करना है। आप सोचेंगे दूध का क्या काम है इस ड्रिंक में, दूध के अंदर होता है एक्चुअली लैक्टिक एसिड और जब हम दूध को मेंथॉल के साथ, जो कि मैंने आपको बताया पुदीने में मेंथॉल होता है, तो उसके साथ मिक्स करते हैं तो इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन से एक ऐसा एंजाइम बनता है जिसके कारण से हमारे स्किन के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन है उनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो जाता है। तो 2 tablespoons आपको दूध डालना है। आप टोंड, बॉयल्ड, फुल क्रीम कैसा भी ले सकते हैं, बस आपको 2 tablespoons इसमें बॉयल्ड मिल्क ऐड करना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको इन चीज़ों को पकाना है लो फ्लेम पर। जब तक ये पानी हाफ ना रह जाए तब तक आपको इसे पकाना है और लो फ्लेम पर ही पकाना है। जब ये हाफ रह जाएगा तो आप इस ड्रिंक को छान कर पी सकते हैं, हल्का गरम भी पी सकते हैं, आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर भी पी सकते हैं और आप चाहें, क्योंकि गर्मियों का ड्रिंक है तो आप चाहें तो इसमें 1 या 2 आइस क्यूब डालकर भी पी सकते हैं। आप इसे एक बार बनाकर रोज़ाना के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आपको इसे डेली एक ही बार पीना है सुबह और फ्रेश बनाकर ही पीना है। सो गाइस, इस ड्रिंक को आपको डेली ब्रेकफास्ट से पहले पीना है और
कुछ ही हफ्तों में, अगर आप डेली इसे पीते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो एजलेस हो रही है, ओपन पोर्स हैं अगर स्किन पर तो वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगे हैं, स्किन पर ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है वो फेड होने लगा है, और अगर रिंकल्स थे या फाइन लाइंस थी तो उनकी डीपनेस भी कम होने लगी है। साथ ही साथ आपकी स्किन रिवाइटलाइज होने लगी है, ऐसा आप खुद फील करने लगेंगे, और स्किन पर यूथफुलनेस आपको नज़र आने लगेगी, स्किन टाइट होने लगेगी, ब्राइट होने लगेगी। इस ड्रिंक को आपको जून तक पीना है, यानी कि बरसात आने पर आपको इस ड्रिंक को नहीं पीना है, रेनी सीजन में आपको इस ड्रिंक को नहीं पीना है, वरना आपको कफ का प्रॉब्लम होने लगेगा। इस ड्रिंक को कोई भी पी सकता है, मेल्स पी सकते हैं, फीमेल्स पी सकती हैं, बस आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, 25 ईयर्स से कम एज के लोग इसे ना पिए। सो गाइज, आई होप आपको ये ड्रिंक की रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसके बेनिफिट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप इसे ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करिएगा, और कम से कम एक महीना इसे पीजिएगा, और उसके बाद अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।